बॉलीवुड से इन दिनों लोग आसानी से नाराज हो रहे हैं, ऐसे में वे किसी भी सितारे को बख्शने के मूड में नजर नहीं आते। अब लिस्ट में अगला नंबर अजय देवगन का लगता है। दरअसल उनकी आने वाली फिल्म थैंक गॉड में वे चित्रगुप्त के रोल में दिखे हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर नाराजगी इस कदर है कि देश में कई हिस्सों में इसे लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप ये लगाया गया है कि फिल्म में चित्रगुप्त की छवि बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। चित्रगुप्त और बाकी देवी देवताओं को फिल्म में आधुनिक पहनावे में दिखाए जाने से लोग आक्रोशित हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदू देवी देवताओं के ऊपर बन रही फिल्में और उनका मजाक उड़ाने पर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों ने कड़ी आपत्ति जताई है, हिंदू और कायस्थ समाज के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई है और अजय देवगन का पुतला भी फूंका गया है। थैंक गॉड को प्रख्यात निर्देशक इंद्र कुमार ने निर्देशित किया है। फिल्म में अजय देवगन के साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और रकुल प्रीत सिंह मुख्य भूमिकाओं में दिखाई देंगे। फिल्म दीपावली के अवसर पर प्रदर्शित की जानी है। इस समय बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड अपने चरम पर है, ऐसे में अजय देवगन की फिल्म का ट्रेलर आना आग में घी का काम कर रहा है। हालांकि थैंक गॉड एक हास्य फिल्म है, लेकिन इस वक्त इसे लेकर के ट्रेजेडी जैसा माहौल है। विरोध करने वालों ने कहा कि एक तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा देवी देवताओं के मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन बॉलीवुड लगातार हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बना रहा है, जिससे हमारे समाज पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। लिहाजा प्रधानमंत्री से हम अपील करते हैं, इस तरह की फिल्मों पर रोक लगाई जाए, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत ना हो। आपको बता दें, कुछ वक्त पहले आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा का भी लोगों ने इसे लेकर पुरजोर विरोध किया था और बॉयकॉट की मांग की थी। अब अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड का भी पुतला दहन किया गया है और बॉयकॉट थैंक गॉड की मांग की जा रही है। अब ये विरोध कितना बढ़ता है और फिल्म रिलीज से पहले क्या होता है, ये देखने की बात है।